तो कैसे और तुम लोग, तुम लोगों का फिर एक बार स्वागत हो चुका है तुम्हारे फेवरेट चैनल ऋषि रिच में। तो आज फिर एक बार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी स्पाइडरमैन रीमास्टर की सीरीज, जिसमें लास्ट एपिसोड में बहुत ही बुरी चीज़ हुई थी। जब हम सब जेफ के अवार्ड सेरेमनी में थे, तब मिस्टर ली और उसकी सारी डीमन गैंग वहां आके ब्लास्ट कर देती है, जिसमें जेफ मारा जाता है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग बस मिस्टर ली को ढूंढ रहे हैं, जिसमें कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, बस एमजे हमारी मदद कर रही है। और आज हम लोगों को एक पता मिला है जहाँ पे शायद हमें लीड मिल सकती है कि मिस्टर ली ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है और उसकी डीमन गैंग आखिर में चाहती क्या है। हम लोगों को पता है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से बदला लेना चाहते हैं, पर किस चीज़ का क्यों, वो सब हम लोगों को ढूंढ निकालना है। यहाँ पे तुम लोग मैप में देख सकते हो, जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है और हम लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें मिल चुकी है जिससे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से जो जो चीज़ें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ वो कर लेता हूँ और स्किल्स भी एक बार देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो के बाद कुछ हमारे पास है नहीं अभी अपग्रेड करने के लिए, जल्दी से चलते हैं, फटाफट से वो जगह पहुंचते और देखते हैं कि हम लोगों को क्या सबूत मिल रहे हैं। अभी मैं बस पहुंच ही गया हूँ, फटाफट चलता हूँ। शायद यहाँ पे फाइट तो होने वाली है, क्योंकि अब डीमन गैंग को भी पता होगा ना स्पाइडरमैन आ रहा है। चलो आ जाओ, यहाँ पे 5-6 लोग दिख रहे हैं, फटाफट से इन सबको ख़त्म कर लेते और बहुत शांति से करेंगे हम लोग, एकदम स्टेल्थ मोड में। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे सबूत ढूंढने होंगे। अभी फटाफट से इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, उससे पहले मैं देख लेता हूँ और कहाँ कहाँ सिंगल है उनको पहले निपटा लेता हूँ। देखो वहाँ पे 3 सिंगल है, 4 लोग हैं, चारों को हम लोग आराम से ले सकते हैं। और देखो अंदर जाने का रास्ता भी मिल गया। अभी फटाफट से इन सबको ख़त्म कर लेते हैं, जा रहा है, इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी सबको ख़त्म कर लेता हूँ अभी। इन सबको हम लोगों को परफेक्ट टाइम पे मारना पड़ता है, वरना अगर किसी को मारते हुए दूसरे ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा। अभी सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर वो बाकी दोनों का देखते क्या करना है। चलो अकेला है, इसको भी उठा लेते हैं फटाफट ऊपर। अभी बस ये आखिरी 3 बचे, उनको भी देखते कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अलग अलग रहेंगे तो आराम से ख़त्म कर सकते हैं। देखो ये जैसे अकेला है, अभी इन दोनों का ही बस कुछ करना पड़ेगा। कहीं से तो आवाज़ करके डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एक हट जाएगा, दूसरे को ख़त्म कर लेंगे और फिर एक अकेला बचा है उसको तो आराम से मार सकता हूँ मैं। थोड़ा दूर भेजता हूँ यार, एक को दूर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे करूँगा तो पता चल जाएगा शायद उसको। हाँ हाँ ध्यान गया, एक जा रहा है। अभी जल्दी से पीछे वाले को ख़त्म कर सकता हूँ मैं। अरे यार पीछे वाला भी जा रहा है, नहीं नहीं थोड़ा पास आ जा। अरे दोनों साथ में ही जा रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। रुको देखते हैं, और थोड़ा दूर भेज दूंगा ना तो ख़त्म हो जाएंगे। इसको उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, ध्यान नहीं है ना। हाँ बस अब वो आखिरी बचा है, उसको तो ख़त्म कर ही देंगे। इसको तो क्या ज़बरदस्त फिनिशर दिया है। चलो सब लोग ख़त्म हो गए, अब अंदर जाते हैं फटाफट। Security lock. They use these on banks, not recycling centers. Maybe if I can find where it gets its power from. पता चल गया मुझे इसको कैसे खोलना है। अपनी जो इलेक्ट्रिक वाली वेब है ना वो यूज करनी है। चलो जल्दी से इसको ओपन करते, अंदर जाते, देखते क्या करना है। चलो अरे ये तो ओपन ही नहीं किया, खोला ही नहीं मैंने, और मैं इलेक्ट्रिक वेब मार रहा हूँ, अभी हो जाएगा। My electric webs. Well, that did something. Looks like the circuits need a little more juice. अभी जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ बाकी सब है फ्यूज बॉक्स उसको भी मैं करंट दे देता हूँ। There. Looks like the circuit's still stable. Maybe there's another junction box close by. Gotcha. Almost there. One more box should do it. चलो दरवाजा खुल गया, जल्दी से अंदर जाते हैं, तलाशी लेते हैं, वरना अगर डीमन गैंग को पता चल गया मैं आ गया हूँ तो और बहुत ज़्यादा गैंग आ जाएगी और मुश्किल हो जाएगा, फिर लड़ना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी तलाशी लेके निकल लेते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ देखते क्या क्या मिल रहा है अंदर। अरे अंदर जा, अंदर आ गया हूँ क्या मैं कि बाहर जा रहा हूँ? अंदर नहीं जा रहा हूँ,
अरे यार ये क्या कर रहा है स्पाइडरमैन, अंदर चल। रुको यार, दूर से मेरे ख्याल से वो सीधा वेब मार के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत सही है ये, चलो आगे हो अंदर, अभी थोड़ी तलाशी लेते हैं जल्दी जल्दी। ये दिख रहा था बाहर से अंदर जाने का रास्ता, चलो आ जाओ। बहुत अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से तो कुछ मिलना चाहिए, कोई तो सबूत मिल जाए बस यहाँ पे। Guns from Fisk's armory. Truck bombs? This is crazy. यार गन्स भी है, ट्रक में बॉम्ब पड़े हुए, ये लोग बहुत बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं। अभी जल्दी से और सबूत ढूंढने पड़ेंगे, लोग प्लान क्या कर रहे हैं। These must be where they're planning to attack. Wait, these are Osborne campaign offices. Lots of high-tech equipment. Maybe later I can recycle this stuff into some weapons of my own. हमको लोकेशन तो मिल गई है मैप देख के कि ये लोग क्या कहाँ करना चाहते, और देखते क्या क्या है, और बहुत कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे। Explosives from Fisk's construction site. This wasn't a gang war. The demons were stealing from Fisk to go after Mayor Osborne. Hey, did you find Lee? No, but you were right. Lee's using this place as a front for the demons. Bomb making, gun running. And it looks like they're planning another attack. This time on Norman Osborne's campaign offices. We must have some kind of beef with Norman Osborne. I found an address here. I think it's their staging area. If I hurry, I might be able to stop them. Be careful. ये लोग नॉर्मन के ऑफिसेस पे अटैक करने वाले हैं, ये तो पता चल गया है। Yuri, it's me. Make it quick. I'm busy getting yelled at by my boss. Martin Lee and the demons are planning another attack, this time on Norman Osborne's campaign offices. Are you sure? We've had a lot of false leads in the past week. Trust me on this one. I'm sending you the address of a recycling center. You'll find all the evidence there. Got it. I'll get those campaign offices evacuated. But if you're wrong about this, you're gonna help me find a new job. तो अभी हमने यूरी को भी बता दिया है कि वो जाके तलाशी ले और वो सारे कैंपेन ऑफिस खाली करे ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हो, और हम लोगों को जहाँ एड्रेस मिला हम लोग फटाफट से वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमें शक है कि डीमन गैंग वहीं पे और वहाँ पे कुछ प्लान कर लिए। तो अभी फटाफट वहाँ चलते हैं और जो भी वो प्लान कर रहे हैं उसको हम लोगों को रोकना पड़ेगा। और यार मार्टिन ली बस एक बार मिल जाए, उससे तो बहुत बड़ा बदला लेना है हम लोगों को। उसके वजह से बेचारा जेफ मारा गया, इतना अच्छा ऑफिसर था और इतना अच्छा बनता था ली, पर मुझे उस पर शक था ही। वो जैसे बनता था उससे शक तो हो ही रहा था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता था वो। चलो आ जाओ, पहुँच ही गया, देखते हैं अभी ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। फटाफट से, बस थोड़ा ही दूर है। और जब से यार वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तब से यार बारिश ही हो रही है यहाँ पे, सिटी में धूप खिली ही नहीं है। चलो पहुँच गया। Consolidated shipping. A lot of guys. I should try to do this quietly, but also with style. फिर से हम लोगों को स्टेल्थ में सब करना है। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले स्नाइपर को ले लेते हैं क्योंकि एक ये क्या है, कुछ नया गैजेट अनलॉक हो रहा है। I can use that stuff I found at the recycling center. चलो नया गैजेट अनलॉक हो चुका है, ट्रिप माइन, और इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। अरे यार इसके लिए भी चैलेंज टोकन चाहिए, ये जल्दी अनलॉक हो चैलेंज टोकन, पता नहीं क्या है। Nice. Love using bad guys own weapons against them. देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। And that, my friends, is what karmic justice looks like. अरे ये तो बहुत सही है यार, इसको कहीं पे चिपका नहीं सकता। आजा थोड़ा सा आगे आजा, चिपक जाएगा ये। आगे आ जा यार, थोड़ा सा आगे आ जा, छोड़ो ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। वो ट्रिप माइन वेस्ट हो गई मेरी, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले स्नाइपर्स को ख़त्म करते हैं ताकि वो नीचे ध्यान नहीं दे पाए, और फिर आराम से सब नीचे वालों को हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये अकेले अकेले जहाँ जहाँ मिल रहे फटाफट सबको ख़त्म करते हुए चलूँगा मैं। बस दो तीन स्नाइपर वाले दिख रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर लेता हूँ। देखो नीचे एक दिख रहा है और एक और स्नाइपर वाला वहाँ पे है, तो बस इन दोनों को ख़त्म कर लूँ फटाफट से। ये रहा देखो, इसको यही से उठा सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, चलो ये भी ख़त्म हो गया। लगता है स्नाइपर सारे ख़त्म हो गए, दो ही थे शायद, फिर भी एक बार देख लेता हूँ।
जो भी आसानी से मिल रहा है उन सबको पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूँ। इस साइड तो कोई दिख नहीं रहा है, आगे जाता हूँ। देखो उस साइड वो एक बंदा है, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। फिर पीछे भी एक बंदा है, उनको भी मारना पड़ेगा। यार थोड़ा रिस्क लेके दोनों को साथ में मारे क्या? मैं ट्राई करना चाहता हूँ सीधा टेक डाउन दोनों को साथ में ले पाते कि नहीं। एक बार इसको फिर उसी के साथ डायरेक्ट उस पे मैं अटैक करूँ मैं। चलो ये जबरदस्त जबरदस्त, चलो बहुत बढ़िया था ये। दोनों को साथ में ख़त्म करने का मज़ा ही कुछ और था। वहाँ पे किसी को शक हो रहा है, जल्दी जाके उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसका शक बढ़ गया तो उसको पता चल जाएगा स्पाइडरमैन आ चुका है। जल्दी चलो इसको कहाँ से, हाँ सीधा वहाँ जाके ख़त्म कर लेते हैं। ये अकेला घूम रहा है, अकेला नहीं घूमना चाहिए, इसको पता नहीं है। अब ये भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत शक हो रहा था इसको। अच्छा जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अभी और कितने लोग बचे हैं? यहाँ पे दो है, वहाँ पे एक खड़ा है और वहाँ दो है, मतलब पांच लोग बचे अभी फ़िलहाल। तो एक एक करके सबको ख़त्म कर लेंगे। आ जाओ पहले वो अकेला दूर वाला है ना, उसको ख़त्म करते हैं आसान है। हाँ देखो अभी जल्दी से यहाँ से भागो। अब दोनों दो दो बचे तो इनकी जगह थोड़ी बदलनी पड़ेगी तो ही कुछ हो पाएगा। ये देखो ये लोग तो ट्रक में ही कुछ कर रहे हैं। थोड़ा आवाज़ करता हूँ ताकि ये लोग हिल जाए वहाँ से। ऊपर चले जाता हूँ, देखे नहीं ये लोग मेरे को। हाँ बस वहाँ पे आवाज़ करता हूँ। अरे यार ये देख नहीं रहे आवाज़ वाले के। हाँ वो रहा वो रहा वो रहा। अब अरे यार फिर भी ध्यान नहीं दिया ये लोग। अरे उसका ध्यान आ गया, अरे बाप रे। चलो पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब अकेला छोड़ के चला गया ना अपने दोस्त को। दोस्त तो गया, अभी इसको भी ख़त्म कर लूँगा। हाँ शक हो रहा है, देखो जल्दी करना पड़ेगा। आ जा बस थोड़ा सा बाहर आ जा, यहीं से मैं तुमको टेक डाउन कर लूँगा सीधा। वो लोग का तो ध्यान है नहीं इस पर, ये देख रहे इस पर शायद। अभी अभी ये बहुत सही है, बहुत एकदम एंड मोमेंट पे ख़त्म करना पड़ता है वरना कोई तो पकड़ ही लेगा हमें। चलो हो गया, बस इसका भी ध्यान भटका देता हूँ और थोड़े से अलग होते ही दोनों को ख़त्म कर लूँगा। यार ये लोग तो साथ साथ में ही घूम रहे, कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही अलग होना एक को टेक डाउन कर लूँगा मैं। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इनको शक हो रहा है, उन्होंने देख लिया कि उनका एक साथी मारा गया है। थोड़ा दूर हो जाए ना तो भी मैं फटाक से इनका ध्यान भटका के एक को ख़त्म कर लूँगा। आ जा यार पीछे तो आ जाओ थोड़ा सा, इधर आवाज़ करता रुको, ये पीछे वाला आ जाएगा। हाँ बस अभी ये शायद थोड़े दूर हो जाएंगे, इसको ले सकता हूँ, अभी इसको ख़त्म कर सकता हूँ मैं। ये गया, अभी सीधा उसको भी ख़त्म कर लूँगा। आ जाओ वहाँ से जाओ और ये ख़त्म। तो ली तो हमें मिला नहीं, अंदर जाके देखते क्या मिलता है। ली मिलता है या सबूत मिलते और। They have bases all around the city. ये देखो फिस्क के बेसिस जैसे अभी डीमन के बेसिस अनलॉक हो चुके हैं, तो ये भी हम लोगों को फटाफट करने पड़ेंगे जिससे हम लोगों को कौन से वो दूसरे रेड वाले टोकन मिलते हैं, चैलेंज टोकन मिलते हैं ना। नहीं नहीं वो चैलेंज टोकन तो मिले ही नहीं अभी तक। और मैप में कुछ मार्क भी किया हुआ है इन्होंने, अच्छा बेस ही मार्क किया हुआ है। चलो और क्या सबूत है यहाँ पे? हाँ, इनवॉइस फ्रॉम एन ऑटो शॉप, पेल हॉर्स राइड्स, दैट्स वन एक्सपेंसिव ट्यूनअप। दिस इज बिगर देन आई थॉट, लुक्स लाइक द डीमंस हैव एन आर्मी। यार ये लोग फिर आ गए लगता है लड़ने के लिए। हाँ ये ली है क्या कोई तो आया। ओ ये ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, विप्लैश मार्वल वाला। अरे बॉस फाइट है क्या? तू ऊपर देखो उसका साथी पड़ा हुआ है। चलो आ जाओ इसको ख़त्म करना पड़ेगा बहुत संभाल के। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अपना स्पाइडर बॉट बहुत बेस्ट है। वो देखो स्पाइडर बॉट में बिजी हो गया। तब तक हम ये डॉज क्या ज़बरदस्त करता है। इसको कुछ तो थोड़ा दूर से संभाल के मारना पड़ेगा लगता है उसका वो है ना। हाँ देखो ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, हेल्थ देखो कितनी ले जा रहा है और मैं उसको वो भी नहीं कर सकता, वेब से अटैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा दूर रह के इस पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पास में तो ये बहुत मार रहा है। हाँ ये दूर से अटैक करता हूँ ना तो इसका इतना ध्यान नहीं रहता, ये बहुत जल्दी डॉच कर लेता है, पर दूर वाला अटैक ये बच नहीं पाता। ये देखो अब मार खा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं, आखिरी बचा हुआ है। अरे यार ये अटैक बहुत ज़बरदस्त करता है, ये हेल्थ मेरी देखो कितनी ले गया है। ये देखो 70% हेल्थ ले गया मेरी, क्या डॉच किया मैंने। खत्म हो गया, चल बहुत बढ़िया।
अरे यार, ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को मारता हूँ तो और लोग आ जाते। देखा, इसीलिए मुझे ये सूट पावर बहुत पसंद है। देखा, हेल्थ भी कम थी और इतने लोग मार रहे थे, मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी हो गई, फोकस बार फुल हो गया। वो देखो कितने सारे लोग मार रहे हैं। वो अगर सूट पावर नहीं होती तो इतने कॉम्बो में इनको ख़त्म ही नहीं कर पाता। चलो आ जाओ, हेल्थ थोड़ी बचा के चलनी पड़ेगी। वो देखो, उससे बचना पड़ेगा। ये देखो, हवे से ही मुझे उठा के फेंक रहे हैं। पहले इसको ही ख़त्म करो यार, दो दो लोग हैं। एक तो ये लोग बहुत परेशान करेंगे। ये देखो डॉज, देखो उसका, ये इनका बॉम्ब उन पर ही फेंकता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इसको कंटिन्यू मारते रहता हूँ ना तो कुछ नहीं कर पाता पूरा। ये बाकी सारे छोटे मोटे वो तो बहुत आसानी से मर जाते, वो थोड़ा मुश्किल है। आ जाओ, ये दो तीन ही लोग बचे, जल्दी से इनको ख़त्म कर लूँ। यार ये गन वाला बहुत दूर दूर से मार। अरे यार, वो जिंदा है अभी भी। ये देखो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। इसको ख़त्म करो, रुको पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ, फिर अच्छे से उस पर ही ध्यान दूंगा। ये ओ, क्या मारा है, ज़बरदस्त मारा है। ख़त्म सारे। ये लोग कौन है, नए नए आए हैं, क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त है, दुश्मन है? अरे यार, ये लोग है कौन? स्पाइडरमैन को भी मार रहे हैं, फिर डीमन गैंग को भी मार रहे हैं। कौन हो तुम लोग यार? कोई नया आया है? दोस्त है, विलन है, पता नहीं चल रहा है, पर कोई तो नया आया है। वो हो, क्या एंट्री है भाई। ओए बाप रे, नाइस एंट्रेंस, सॉलिड 8 out of 10। यार ये है कौन? ये देखो, यूरी भी आ गई। Yuri, explanation please. This is Silver Sablinova, head of Sable International, a private security force, paid for by Mayor Osborne. Oh, the mayor has a pet army now? Next time you get in my way, I will not be so gentle. Go. We'll talk later. ये कौन है, सिल्वर सेबल? भाई मेयर की आर्मी है, हम पे क्यों अटैक कर रही? हम तो यार उसको बचा ही रहे। पता नहीं कौन लोग है, नए नए लोग आ रहे हैं। वो डीमन गैंग क्या कम थी जो इतने लोग बढ़ रहे हैं? यार फिस्क सही था, जब से वो गया है ना, पता नहीं पूरे सिटी में बर्बाद हो चुका है। It's okay. We're still best buds. We're not best buds. Well, that took a dark turn. Anyway, Sable has the mayor's ear and unchecked authority. We've searched that address you gave me, found plenty of evidence of a bomb plot, but nothing that leads back to Martin Lake. I'm working on that. Hey, MJ. Hey, so I dredged up some records on Martin Lee's other business holdings. He's got places all over the city. Huh. The locations line up with a map I found at that shipping business. I'll check them out. Let me know what you find at each one, and I'll work on building a case. You got it. I'm headed to Lee's office at Feast to see if I can learn more about why he's doing this, and what he's got planned next. Okay. Say hi to May for me. Wait, you don't think she's in danger, do you? No. Lee's only got one target on his mind. Norman Osborn. तो अभी हम लोगों को जाके नेक्स्ट एपिसोड में ली के सारे हाइडआउट्स चेक करने हैं, और सबसे पहले तो ली का ऑफिस चेक करना है जहां से हम लोगों को शायद सबूत मिल सकते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो यार दोस्तों, अगर ये वीडियो यहां तक देख ले और ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, और हमारी स्टोरी जो इतनी आगे बढ़ रही है वो उसमें तुम लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड से पहले ये सारी जो अपनी मार्टिन ली वाली गैंग है, डीमन गैंग, उनके हाइड आउट सारे चेक कर लूँगा। वो भी फिस्क जैसा ही है, उनको ख़त्म करना होगा, और कुछ हम लोगों को मिलेगा वो भी कर लेंगे, और जितनी भी चीज़ें पीछे चल रही है वो सारी ख़त्म कर लूँगा ताकि हम लोग बस स्टोरी पर फोकस कर सकें।
वैसे भी अभी स्टोरी में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर साथ में चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से हम लोग को स्टोरी पे ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। देखो जैसे मेन हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस था, वो तो कहीं खो ही गया है, उसका क्या चल रहा है हम लोगों को कुछ नहीं पता, इसीलिए हम लोगों को स्टोरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। इसी बात के साथ आज के वीडियो तो बस यही तक, मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी एक और शानदार वीडियो में, पर तब तक के लिए बाय बाय।